Hello and very good evening to all the aspirants of NMS and NTSC. Dear students, synthetic fibers and plastic, they sare questions up to question number 14, jo exercise da sambandh si, oh assi kar rahe han. Te now let's revise. Super fast questions apa karne han. Koshish karde hain ke within 5 to 6 minutes assi very short answer questions revise kar liye. Right? Sade kol jo first question hai, नेम फ्यू नैचुरल फाइबर्स. नैचुरल फाइबर्स मतलब कुदरती रेशे किहड़े हुंदे हन जो सानू पौद्यां अते जंतुआं तों मिलदे हन. किहड़े किहड़े? कॉटन, वूल एंड सिल्क. कॉटन, वूल एंड सिल्क. सो फस्ट जिहड़ा होएगा कॉटन, वूल एंड सिल्क. राइट? सो ये साडे कोल हो गया फस्ट क्वेश्चन. सैकेंड क्वेश्चन है नेम आ नैचुरल पोलीमर. नेचुरल पॉलीमर केड़ा हैगा या? नेचुरल पॉलीमर इज सेलुलोज. सेलुलोज, सो सेलुलोज इज द नेचुरल पॉलीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ फाइबर विच इज सिल्क लाइक बट मैन मेड. आप हुणी करके हटे हैं रेयॉन. रेयॉन जिहड़ा हैगा या वह सिल्क लाइक है, मतलब रेशम वर्गा हुंदा है लेकिन इंसान द्वारा बनाया गया है. सो रेयॉन, रेयॉन इज सिल्क लाइक. Right? The fourth question is which fiber is obtained from wood pulp? Wood pulp to keda fiber san prapt hunda hai? Again, rayon. Rayon is the fiber which is obtained from wood pulp. So, wood pulp to prapt hunda hai rayon. Right? So, rayon jada hai gaya isnu asi synthetic fiber nahi kende. Kyun? Kyunki ite jada raw material hai. We get it from wood pulp. Wood pulp. Wood kithon aandi hai? From nature. Right? Next question hai. In which year nylon was made? Nylon jada hai kis saal vich banaya gaya? So it was made in 1931. Nylon was made in 1931. So nylon was made in 1931. Question number 6 hai sade kol. Which fiber was made from coal, air and water? Coal, air and water. Inna tinna ton keda jada hai gaya synthetic fiber banaya gaya hai? So nylon. Nylon jada hai oh coal, matlab coal e ton, hawa ton ate paani ton banaya janda hai. So nylon. Nylon jisnu ki 1931 vich banaya gaya si first time. Next question is of which fiber parachutes and tents are made of? पैराशूट्स एंड टेंट्स बहुत मजबूत सिंथेटिक फाइबर तो बने होंगे. वो किहड़ा हुंदा है? सिंथेटिक फाइबर किहड़ा है? नायलॉन. ठीक है ना? असी पढ़िया सीगा, असी ऑलरेडी वीडियो जिहड़ी मैं तुहानूं भेजी हन उहदे विच बहुत डिटेल नाल दस्सिया होया है. राइट? सो नायलॉन जिहड़ा है यह काफ़ी मजबूत फाइबर हुंदा है, इस करके पैराशूट्स रस्से इस तों बनाए जांदे हन. बैडमिंटन दीआं तारां जिहड़ियां हैगीआं इहनां दी बणीआं हुंदीआं हन. उस तो बाद बैडमिंटन नैट जिहड़ा हैगा आ वह भी नायलोन का बनया हुंदा है. सो क्वेश्चन नंबर जिहड़ा सैवंथ सीगा साडे कोल वह यह सीगा कि भी जिहड़ा नायलोन तो जिहड़ा पैराशूट है वह किस तो बनया हुंदा? नायलोन तो बनया हुंदा हैगा. नैक्सट क्वेश्चन है वट इज पैट? पी ई टी, पैट. सो पैट इज़ द फॉर्म ऑफ पोलीएस्टर. पहले पैट इज़ द फॉर्म ऑफ पोलीएस्टर. It's a form of polyester. Then is why do parachutes and ropes for climbing rocks are made of nylon? When nylon de hi kade bane hunde han parachutes rasse vegera? Kyun? Kyunki nylon jada ya eh bahut majboot hunda ya. Theek hai, di strength bahut hundi hai gi ya. Right? So it has got a very good strength. Question number 10. Give फ्यू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के कुछ सानू गुण दसने है कि एक तो देखो जी वो रीसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उस तो बाद डिफरेंट कलर्स विच बनाया जा सकता है, मेल्ट पिघलाया जा सकता है, रोल्ड इनटू शीट्स वो शीट्स बनाई जा सकती हैं, तो उन्हें तारा विच भी कन्वर्ट किया जा सकता है. किन्ना गुणी है प्लास्टिक, है ना? सो किहड़े किहड़े ने? इट कैन बी रीसाइकल्ड, इट कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, इट कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स. राइट? मेल्ट किया जा सकता है, डिफरेंट कलर्स विच
बनाया जा सकता है, डिफरेंट साइजेस दे विच बनाया जा सकता है, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट आर पॉलीथीन एंड पीवीसी। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी बोथ आर थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, हीट करे थे। सो बोथ आर पॉलीथीन एंड पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। सो फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक क्वेश्चन आमतौर पर आ जाता हूँ आया अल्टरनेटिव ईयर्स विच आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है साढ़े को, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक। बेकेलाइट जोड़ा आ ये भी काफ़ी बहुत स्ट्रेंथ होंगी यदि, राइट। एक किदा बनया हों थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेडिंग प्लास्टिक है। सो बेकेलाइट इज थर्मोसेडिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज थर्मोसेडिंग प्लास्टिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज टेफ्लॉन यूज्ड। टेफ्लॉन बड़ा डिटेल भी डिस्कस किया सगा, आमलेट भी बनाया सी तवे दे उपर बनाया सी ना, होर की सगा बनाया, परौंठे भी बनाए सके स्टफ्ड। कद अपना किवें बनाने च कामयाब होए, सानूं तां किचन विच कुछ काम करना आंदा नहीं हैगा या, ठीक है, क्योंकि जिहड़े हुण तवे आंदे हन और टेफलॉन कोटेड हुंदे हन, रोटी थले लगदी ही नहीं हैगी है, राइट। इस करके जो यूटेंसिल्स हैगे है, जो तवे हैगे आ, ਉਹ ਤਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਫਲੋਨ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਫਲੋਨ ਕੋਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਬੇਸ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਸ ਫਾਈਬਰਸ ਇਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ, ਵੂਲ ਔਰ ਰੇਅਨ। ਦੇਖੋ ਵੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਨੈਚੁਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੂਲ, ਰਾਈਟ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਗੈਟ ਵੂਲ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੇਅਨ। रेयॉन जिहड़ा हैगा आ, इस नूं कित्थों मिलदा हैगा आ, रेयॉन इज़ अ सिंथेटिक, रेयॉन इज सिंथेटिक फाइबर। सो सिंथेटिक फाइबर जिहड़ा आ ओह चीपर हुंदा एज़ कंपैरिजन टू द नैचुरल फाइबर। सो वूल जिहड़ा आ, उस तों बाद क्वेश्चन हैगा आ विच ऑफ दीज फाइबरस इज़ कॉस्टली। पुछिया सी इहनां चों कॉस्टली फाइबर किहड़ा आ, तां वूल इज़ कॉस्टली बिकॉज इट वी गैट इट फ्रॉम नेचर, राइट। Why does hot water deform plastic bottles? जिहड़े hot water है, गर्म पानी है, वो deform मतलब वो form क्यों बदल दिंदा आ, वो शक्ल किवें बदल दिंदा आ प्लास्टिक की, वो water bottle की, because these water bottles are made from thermoplastics। Thermoplastics तो बनदियां हन ये पानी दियां बोतलां, ठीक है, जो कि हल्के जे तापमान से deform हो जांदियां हन, shape बदल जाती है इन्हां दी। ओके, राइट। विच थर्मोसेटिंग मटीरियल इज वर्सेटाइल, हीट रेजिस्टेंट एंड फायर प्रूफ भी होवे, हीट रेजिस्टेंट भी होवे, वर्सेटाइल भी होवे, बड़ा देर तक चलने वाला होवे, ओह होंदे मेलामाइन, राइट। मेलामाइन दे डिनर सेट्स वगैरह आमतौर पर घरों के मिल जाते हैं, ठीक है, बड़े 6 प्लेटा बड़ियाँ, फिर उस तो छोटिया छोटिया कोलियाँ, 6 बड़ियाँ, फिर 6 छोटिया कोलियाँ, चमचे उदा दे मिलते ना। सो दीज आर मेड फ्रॉम मेलामाइन, हाथों गिर भी जान टुटदियां नहीं हैगियां। ओके, वाई इज प्लास्टिक यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ मेटल्स। देखो मेटल्स दे जिहड़े हुंदे ना ओह हैवी है, मेटल्स दे आर हैवी इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक्स, ठीक है जी। उहदे भी आपां तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती सीगी कि जे असी एक ज्योमेट्री बॉक्स है उहदे अंदर जिहड़ा जो टिन दा बणिया होया है, एक प्लास्टिक ज्योमेट्री बॉक्स है, किहड़ा हल्का आ, प्लास्टिक वाला हल्का होंदा ना, इन द सेम वे ते प्लास्टिक हल्का होण करके जिहड़े एयरक्राफ्ट ते कार्स दे विच प्लास्टिक दी वरतों ज़्यादा की जाती है। वाई आर प्लास्टिक कंटेनरस कन्वीनियंट टू यूज़, प्लास्टिक कंटेनरस कन्वीनियंट किवें ने यूज़ करन दे विच, ओह वी असीं कर चुके, डिस्कस कर चुके हैगे आ, लाइट इन वेट, नॉन रिएक्टिव, अवेलेबल इन वेरियस डिजाइनस, अवेलेबल इन वेरियस साइजिज, राइट। सो डिफरेंट कलर्स विच अवेलेबल है, सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंथेटिक फाइबर रिजेंबल्स वूल।
वूल नूं केड़ा सिंथेटिक फाइबर रिजेंबल करता है, उहदे वर्गा केड़ा आ, एक्रेलिक। सो एक्रेलिक रिजेंबल्स वूल। वेट फॉर अ व्हाइल। सो एक्रेलिक की है सिंथेटिक फाइबर, राइट, इट रिजेंबल्स वूल। ओके, नेक्स्ट है साढ़े को, गिव टू रीजन्स ऑफ प्रेफरिंग सिंथेटिक फाइबर्स ओवर नेचुरल फाइबर्स। सानू रीजन दिते जान कि भी असी जिहड़े बनावटी फाइबर्स जिहड़े रेशे हन उहनां दी वरतों कुदरती रेशे तों किवें बेहतर है। सब तो बड़ी गल तो यह है कि दे बियर द स्ट्रेंथ, पहला स्ट्रेंथ होंदी है ना, कुछ चीप होंदे हन, राइट, फिर उहदे नाल की है साडे जिहड़े एनवायरमेंट दा भी जिहड़ा बचा है, एनवायरमेंट दे उपर उहदा इफेक्ट नहीं पैंदा ज़्यादा, उहदे यूजेज वास्ते ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, राइट, ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की एक डिसएडवांटेज दसनी है, सो दे मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर्स ने, दे मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर कोई भी ले लो तुसी, भावें असी पोलिएस्टर की गल करिए, भावें पोलीकॉट की गल करिए, भावें नायलॉन की गल करिए, ठीक है, भावें किसी प्लास्टिक की गल करिए, सारिआं नूं जदों असी अग दिखालदे आ तां इह मेल्ट कर जांदे आ। ओके ओके, विच सबसटांसिज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਨੈਚੁਰਲ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕਦਾਂ ਖੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖੁਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਜਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਮੇਨਲੀ ਆਰ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਚੋਕਿੰਗ ਡਰੇਨਸ ਐਂਡ ਡੈਥ ਆਫ ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਝਰਨਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼, ਵਟ ਇਜ਼ 4R ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। 4R ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮ? ਰਿਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਯੂਜ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰ। ਰੀਯੂਜ, ਰੀਸਾਈਕਲ, ਰਿਡਿਊਸ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 4R ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਇਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਆਰ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਆਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੋਨ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਬੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ, ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਸ਼ਚਨਸ, NMS ਅਤੇ NTSC ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ, ਆਈ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।